नमस्कार मेरा नाम नारायण सिन्हा है प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स हूँ आज हम जो है मैक्रो इकोनॉमिक एंड इंट्रोडक्शन अर्थात समस्ती का एक परिचय पर चर्चा करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का उपयोग जनरल थ्योरी के साथ 1936 में सर्वप्रथम किन्स ने किया था मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स का जब भेद है यह है, 1970 के दौरान कम होने लगा मैक्रो इकोनॉमिक्स इसके अंदर हम अर्थव्यवस्था का आ, का संकलन अर्थात एग्रीगेट लेवल पर अध्ययन करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर अंतर्गत हम राजकीय नीतियों का और उसके पर आर्थिक परफॉर्मेंस में प्रयोग पर चर्चा करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स मुख्य रूप से उत्तर देती है पहला व्हाट डिटरमाइंस लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ अर्थात दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि किन बातों पर निर्भर करती है दूसरा व्हाट कॉजेज इकोनॉमिक एक्टिविटी टू फ्लक्चुएट अर्थात आर्थिक गतिविधियां किस कारण से फ्लक्चुएट करती हैं? में उतार चढ़ाव आता है तीसरा व्हाट कॉज अनएम्प्लॉयमेंट अर्थात बेरोजगारी के क्या कारण हैं? और चौथा किन बातों पर प्राइस राइज निर्भर करता है अर्थात कीमतें वृद्धि के कारण क्या है मुख्य रूप से और मैक्रो में तीन चरों का हम अध्ययन करते हैं। पहला राष्ट्रीय आय जिसे हम नेशनल इनकम कहते हैं दूसरा रोजगार जिसको हम एम्प्लॉयमेंट कहते हैं तीसरा सामान्य कीमत स्तर अर्थात जनरल प्राइस लेवल मैक्रो इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर मुख्य रूप से तीन बाजारों का अध्ययन किया जाता है पहला श्रम बाजार जिसके अंदर हम श्रम का मांग डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर का देखा जाता है और लेबर मार्केट के अंदर श्रम बाजार में हमें के द्वारा हमको बेरोजगारी का अध्ययन किया जा सकता है गुड्स मार्केट वस्तु बाजार वस्तु बाजार के अंदर हम टोट कुल वस्तुओं की मांग और वस्तुओं की सप्लाई का अध्ययन करते हैं तीसरा मार्केट जिसका मनी मार्केट कहते हैं इसके अंदर मुख्य रूप से हम कीमतों का एक्विलिब्रियम और का और ब्याज दर निर्धारण किया जाता है किसी राष्ट्र की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जांचने के लिए हमें मुख्य रूप से चार इंडिकेटर की आवश्यकता होती है पहला इकोनॉमिक ग्रोथ जिसको कि हम दीर्घकालीन कहते हैं दूसरा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अर्थात आर्थिक स्थिरता जो जो लघुकालीन होती है तीसरा बेरोजगारी या अनएम्प्लॉयमेंट और चौथा इन्फ्लेशन अर्थात मुद्रा स्फीति वह नी आर्थिक नीतियाँ जिसके अंदर हम समष्टि गोल्स का अध्ययन करते हैं उसको मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज कहते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार की मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी राजकीय नीतियाँ और मौद्रिक नीतियाँ इकोनॉमिक पॉलिसीज का उद्देश्य समष्टि शास्त्र की नीतियों के लिए किया जा सकता है इकोनॉमिक ग्रोथ को हम राष्ट्रीय आय में की तरफ में नापते हैं बिजनेस साइकल्स को हम श्रम उत्पादकता के रूप में नापा जाता है और बेरोजगारी को हम एम्प्लॉयमेंट के लिए उपयोग करते हैं और इसी प्रकार इन्फ्लेशन को हम जनरल प्राइस लेवल अर्थात सामान्य कीमत स्तर के लिए उपभोग किया जाता है सत्रहवीं और अट्ठारहवीं शताब्दी में ब्रिटेन प्रॉस्पर्ड बेसिकली बिकॉज ऑफ ओवरसीज ट्रेड और दिस दिसमिनस मर्केंटाइल सिस्टम एडवोकेटेड ऑन बैलेंस ऑफ ट्रेड अर्थात उस व्यापार की वजह से उसमें ब्रिटेन के अंदर सरप्लस हो गया था सब्सिक्वेंटली इसके बाद फिजोक्रेट्स ने एक नई थ्योरी प्रदान की उसके बाद इम्पोर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज प्रयोग में आई और उसमें मुख्य रूप से तीन सोशल क्लासेस को आइडेंटिफाई किया गया जिसमें हम कहते हैं लैंडलॉर्ड जमींदारी कैपिटलिस्ट और वर्कर्स एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो उन्नीस सौ और अठारह में इस पर अध्ययन किया था तो मुख्य रूप से मैक्रो इकोनॉमिक्स में समष्टि अर्थशास्त्र में दो अप्रोच का अध्ययन किया जाता है तो पहला है क्लासिकल अप्रोच प्रतिष्ठित परिकल्पना अर्थात यह वेल्थ ऑफ नेशन के से स्टार्ट हुआ था वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ द्वारा लिखी हुई किताब है जो सत्रह में उसने लिखी थी इसके अंदर एडम स्मिथ ने मार्केट फोर्सेस का वर्णन किया था और जिसको कि उसने कहा था इनविजिबल हैंड्स टेक केयर ऑफ इक्विलिब्रियम नाउ इसके बाद किंग्स अप्रोच आई जिस जो जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के पब्लिकेशन के साथ हुई और जो उन्नीस के अंदर प्रकाशित हुई थी इस प्रकार हम देखते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का ओरिजन इस प्रकार से चार्ट द्वारा दर्शाया जा सकता है जब सबसे पहले मार्केटलिस्ट उसके बाद फिजियोक्रेट्स फिजियोक्रेट्स के बाद न्यू क्लासिकल क्लासिकल और केंजियन थ्योरी और उसके बाद मोनिटरिस्ट अप्रोच रेशनल एक्सपेक्टेशन न्यू क्लासिकल और उसके बाद फुल्ली फ्लेक्सिबल प्राइस मार्केट क्लियरिंग एंड प्राइस रिजिडिटी एंड मार्केट फेलियर क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट उन सब अर्थशास्त्रियों की विचारधाराओं का संकलन है जिन्होंने सत्रह से उन्नीस तक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अपनी अपनी थ्योरी प्रदा, प्रदान की थी इनमें मुख्य रूप से एडम स्मिथ डेविड रिकार्डो, माल्थस जॉन मिल जेम्स मिल एल्फर्ड मार्शल जेबी से और पिगू का नाम मुख्य रूप से लिया जा सकता है किंग्स स्कूल ऑफ थॉट उन्नीस से 1970 के दशक के अंदर हुआ था इसमें मुख्य रूप से हिक्स हैंसन और रॉबिन्सन का नाम लिया जा सकता है न्यू क्लासिकल 1970 के बाद जिसमें मुख्य रूप से फ्रिडमैन का नाम लिया जा सकता है और न्यू कैंजियन 1970 ऑनवर्ड्स इसमें केलेकी क्लाउर और फिलिप्स का नाम लिया जा सकता है द टर्म क्लासिकल अप्रोच सबसे पहले किस द्वारा उपयोग किया गया था और उन सब आर्थिक नीतियों के आर्थिक थ्योरीस्ट इकोनॉमिक थ्योरीस्ट के बारे में जो 1937 से पहले पॉपुलर हुई थी थ्री मार्केट जिसमें लेबर मार्केट आय मार्केट और श्रम मार्केट बिना किसी बाधा के स्मूथली ऑपरेट करते हैं इसका अर्थ यह है कि वेजेस और कीमतें फ्लेक्सिबल होती हैं और ये इंडिविजुअल हैंड्स द्वारा किया जा सकता है इसमें गवर्नमेंट का, का रोल बहुत कम होता है क्लासिकल थ्योरी के बाद जो किन्स ने थ्योरी दी थी उसमें उसे ये कहा गया था कि गवर्नमेंट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है और ये इन मार्केट को हम इनविजिबल हैंड्स के आधार पर नहीं छोड़ा जा सकता किन्स ने क्लासिकल थ्योरी को इसलिए रिजेक्ट किया उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वेजेस एंड प्राइसेस इन शॉर्ट रन इज नॉट ट्रू दोनों विचारधाराएं इस बात पर निर्भर करती हैं कि लॉन्ग रन में प्राइसेस और वेजेस एडजस्ट इक्विलिब्रियम के लिए एडजस्ट हो सकती हैं लेकिन शॉर्ट रन के अंदर दे आर नॉट फ्लेक्सिबल क्लासिकल परिकल्पना की के मान्यताएं हैं पहली कि श्रम मार्केट इसमें फुल है और वेजेस फ्लेक्सिबल हैं यदि श्रम की मांग बढ़ती है तो वेजेस में परिवर्तन आएगा और श्रम की मांग कम होती है तो वेजेस गिर जाएंगी इसी प्रकार प्रोडक्ट मार्केट में वस्तु बाजार के अंदर सेका नियम लगता है जो कहता है कि सप्लाई क्रिएट्स इज ऑन डिमांड अर्थात पूर्ति के साथ साथ मांग अपने आप हाँ क्रिएट होती है तीसरी लोनेबल फंड थ्योरी कहते हैं इसमें कहा जाता है कि बचत और विनियोग दोनों बराबर होते हैं और जब ये बराबर होते हैं तो वहाँ पर इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज की दर प्राप्त की जा सकती है मनी मार्केट मुख्य रूप से मुद्रा बाजार कहते हैं और ये फिशर इक्वेशन द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है जैसे एम वी इजिकल टू पी टी इसके हवा इस साथ हम क्लासिकल थ्योरी को इस प्रकार समेराइज किया जा सकता है जैसे स्टेबल में दर्शाया गया है लेबर मार्केट प्रोडक्ट मार्केट एंड मनी मार्केट इसमें क्या क्या फंक्शन होता है ये आप सेकेंड और थर्ड कॉलम में देख रहे हैं इंजिन स्कूल ऑफ थॉट में एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई बराबर मानी जाती है इसे मुख्य रूप से कंजम्पशन फंक्शन का रोल होता है जिसके द्वारा हम बचत फलन प्राप्त कर सकते हैं इसमें मुख्य धारा यह है कि बचत और विनियोग बराबर होते हैं और लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी इंटरेस्ट रेट डिसाइड करती है और जनरल इक्विलिब्रियम प्रोडक्शन फुल एम्प्लॉयमेंट गारंटी नहीं करता इसी प्रकार हम केंजियन मॉडल को समरी में फॉर्म में स्टेबल में दर्शाया गया है इसी जैसे क्लासिकल थ्योरी में देखा था हमने इसमें तीन सेक्टर हैं प्रोडक्शन सेक्टर लेबर सेक्टर और मनी मार्केट लेबर सेक्टर मुख्य रूप से डिमांड फॉर लेबर दर्शाता है प्रोडक्शन सेक्टर मुख्य रूप से एग्रीगेट डिमांड बताता है और मनी मार्केट लिक्विडिटी प्रिफ्रेंस द्वारा कीमत का निर्धारण करता है और यहाँ पर हम क्लासिकल और केंद्र विचारधाराओं का की तुलना करते हैं लेबर सेक्टर के अंदर स्ट्रम मार्केट में क्लासिकल थ्योरी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट और वेजेस फ्लेक्सिबल होते हैं लेकिन किन्स के अंदर वेजेस रिजिड होती हैं और फुल एम्प्लॉयमेंट की गारंटी नहीं होती प्रोडक्शन मार्केट में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होता है और प्रोडक्शन बराबर सप्लाई बराबर डिमांड होता है जबकि किन्स के अंदर एग्रीगेट डिमांड बराबर एग्रीगेट सप्लाई होता है मनी मार्केट के अंदर इंटरेस्ट रेट डिसाइड की जाती है क्लासिकल थ्योरी के अंदर एम वी इजगल टू पी टी के द्वारा और किन्स के अंदर लिक्विडिटी प्रेफरेंस

प्राइस बेस फ्लेक्सिबिलिटी कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन कॉजेज ऑफ अन एम्प्लॉयमेंट इफेक्ट ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी इफेक्ट ऑफ फिजिकल पॉलिसी और इनका क्लासिकल और किन्स थ्योरी के अंदर जो दिया गया है वो सेकेंड और थर्ड कॉलम में बताया गया है इस प्रकार हमने इस आज के परिचर्चा में ये देखा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं उसमें मुख्य रूप से कितनी विचारधाराएं हैं धन्यवाद